आज की वीडियो में हम सीखेंगे पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है, कि वो ऐसे अलाउंस जिनका कहते हैं कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है और कुछ पार्ट क्या होता है एग्जेम्प्टेड होता है। तो इसमें हमने क्या निकालना है, मेन टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट को इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट जितना पैसा आपको मिला है माइनस उसमें से जितना भी एग्जेम्प्ट, ठीक है, अपना लॉ के अकॉर्डिंग जो अपना एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको एग्जेम्पशन मिली है, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट में से एग्जेम्पशन को माइनस करेंगे, जो आपका बचा हुआ पार्ट होगा, जो आपका बचा हुआ पोर्शन होगा, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अब इसमें भी कहते काफ़ी सारे अलाउंसेस आ जाते हैं, पर सबसे पहला और सबसे मेन आपका अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है, तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस देखिए क्या होता है, इट इज़ एन अलाउंस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज अ कंपनसेशन फॉर द रेंट दे पेड फॉर दी रेजिडेंट एट अ होम, ठीक है, कि जो एम्प्लॉई है, ठीक है, अगर उसने कहते हैं किराए पे घर लिया है, ठीक है, तो वो जो किराए का घर है, कहते उसका जितना भी रेंट है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट कहते हैं जो एम्प्लॉय पे करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। इसको अच्छे से समझने के लिए अब हम देखते हैं किसकी एग्जाम्पल। जैसे देखिए मिस्टर ए था, ठीक है, उसने कहते बिजनेस ज्वाइन किया था दिल्ली में, ठीक है, बट वो रहता कहाँ था, मुंबई में। अब देखिए दिल्ली में, ठीक है, उसका बिजनेस था, ठीक है, उसने ज्वाइन किया था और खुद रहता था वो मुंबई में, ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए, ठीक है, उसे आना जाना तो होगा, तो कहते दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, कहते आने जाने में उसे काफ़ी टाइम प्लस उसे काफ़ी खर्चा होता था, तो उसने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि हाँ भाई मुझे आने जाने में कहते काफ़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है, तो मेरा कुछ मतलब या तो मुझे हाउस प्रोवाइड कर दो, ठीक है, नहीं तो मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे या कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाए, ठीक है। तो जो इसका एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने इसको बोला कि हाँ भी ठीक है तू अपने दिल्ली पे, ठीक है, कोई हाउस है, ठीक है, उसे रेंट पे ले ले, ठीक है, और उसका जितना भी किराया होगा उसका कुछ पोर्शन हम पे कर देंगे, ठीक है, चाहे मंथली बेसिस पे पे करें चाहे तुझे इकट्ठा ही अमाउंट वो दे दे। तो ए ने, ठीक है, पता किया, ए ने एक रेंट एक हाउस देखा जिसका रेंट कितना था 15,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसने बताया, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर को, कहते चल ठीक है तू अपना हाउस ले ले, इसे रेंट पे ले ले, और इसका कहते कुछ पार्ट जैसे कि मान लो 10,000, कहते ये कौन पे करेगा, अपना एम्प्लॉयर, ठीक है, हर महीने 10,000, ठीक है, पूरे साल का कितना हो गया आपका 1,20,000, ठीक है, तो ये 1,20,000, ये क्या आपका हाउस रेंट अलाउंस, इसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। सिंपल हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि जो, ठीक है, एम्प्लॉई अपने हाउस का रेंट पे करता है, ठीक है, उसको उस रेंट को कंपनसेट करने के लिए आप उसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन, ठीक है, जब भी कहते हैं अपने हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है, आज हम पहले तो ये देखेंगे इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें जब कैलकुलेशन करते हैं एचआरए की हाउस रेंट अलाउंस की, उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, प्लस हमें कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट है, प्लस इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसकी टैक्सेबिलिटी, किसमें हमें कैसे पता लगता है कि मेरा एचआरए का कौन सा पार्ट टैक्सेबल है, उसके लिए आपको ये तीन अमाउंट के पता होने चाहिए। फर्स्ट अमाउंट है 50% और यू कैन से 40% ऑफ सैलरी, ठीक है, सैलरी का या तो 50% या तो कहते 40%, दोनों में से एक, दोनों नहीं, ठीक है। अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि हमने 50% लेनी है सैलरी का कि सैलरी का 40% लेना है, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा प्लेस ऑफ रेजिडेंस की, जो बनता है, ठीक है, उसकी जो रिहायश है वो उसका जो घर है हाउस रेंट है वो कहाँ पे है, ठीक है, किस जगह में वो रहता है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट है आपकी मेट्रो सिटीज़, ठीक है, सेकंड है आपका नॉन मेट्रो सिटीज़। अब देखिए मेट्रो सिटीज़ में कौन सी सिटीज़ आती हैं, जैसे कि आपकी बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, ठीक है, और मद्रास, ठीक है, ये चार सिटीज़ हैं जो कि टैक्स के व्यू से कहते हैं मेट्रो सिटीज़ हैं। वैसे तो और भी कई मेट्रो सिटीज़ हैं जिनका कहते हैं काफ़ी एक्सपैंड हुए हैं, ठीक है, वो, बट कहते हैं फिलहाल वो टैक्स में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, टैक्स में सिर्फ ये चार सिटीज़ ही इंक्लूड हैं। कहते हैं इनको छोड़ के जो भी आपकी बाकी सिटीज़ बचती हैं वो सभी की क्या हैं, नॉन मेट्रो सिटीज़ है, ठीक है। अब देखिए मेट्रो सिटीज़ होने की वजह से इनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी हाई होती है, इसीलिए इनको जो एग्जम्पशन है वो भी कहते ज़्यादा मिलती है, ठीक है। कहते हैं अगर वो जो बंदा है, ठीक है, अगर वो मेट्रो सिटीज़ में रहता है तो कहते हैं उस बंदे की सैलरी का हम 50% एक्सेम्प्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, एंड अगर वो बंदा किसी नॉन मेट्रो जगह में रहता है, ठीक है, तो उसकी सैलरी का हम 40% लेंगे, ठीक है, ये तो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ अ सैलरी, ठीक है, कि आपने जितना रेंट पे किया है उसमें से सैलरी का सिर्फ 10% माइनस करके, ठीक है, जो आपकी अमाउंट आएगी, ठीक है, वो वाली अमाउंट हमने देखनी है। एंड सेकेंड है लास्ट है सॉरी एक्चुअल एचआरए रिसीव की, आपको असल में कितना एचआरए, ठीक है, रिसीव हुआ है, ये तीनों अमाउंट, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब ये आपको तीनों अमाउंट पता लग जाएंगी, कहते उसके बाद इन तीनों में से कहते कौन सा एग्जम्प्ट होगा, एटलीस्ट के इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे कम होगी, कहते वही आपकी एग्जम्प्ट होगी अपनी टोटल एचआरए अलाउंस में, ठीक है जी। अब आपने देखा यहाँ दो बार, ठीक है, सैलरी आई, फर्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, सैलरी आई है। अब देखिए हमें कैसे पता लगे कि हमने सैलरी में कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, जैसे कि आपको पता है जो कि ये आपका चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स की मैंने और अलग अलग टॉपिक्स के उसके अलग अलग टॉपिक्स में ही आपकी जो सैलरी का मीनिंग है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ आपने कौन सी सैलरी लेनी है,
सैलरी इज़ इक्वल टू बेसिक पे, जो आपकी बेसिक पे है, प्लस डीए। डीए क्या है? अपना डियरेंस अलाउंस, उसका से फॉर्मिंग पार्ट क्या, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था डीए और फॉर्मिंग पार्ट क्या होता है, प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन। ठीक है, ये आपकी कमीशन लेनी है अपने सेल के बेस पे, पर वो कैसे लेनी है, परसेंटेज वाइज। अगर आपको टोटल अमाउंट गिवन है तो वो नहीं है आपने लेनी है, आपने सिर्फ परसेंटेज वाली कमीशन ही लेनी है। उसके बाद देखिए एचआर के कुछ दो पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है एचआर का फुली टैक्सेबल, एंड नेक्स्ट है फुली एग्जम्प्टेड। ठीक है, एचआरए कब टैक्सेबल होता है, कंप्लीट, एंड एचआरए कब कहते हैं एग्जम्प्ट होता है, कंप्लीट। फर्स्ट हम देखते हैं एग्जम्प्टेड, कहते हैं एचआरए तब पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा तब जब वो किसी को पे, किसको पे होगा, जजेस ऑफ सुप्रीम और हाई कोर्ट के, किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को, कहते हैं हम जब एचआरए देते हैं, ठीक है, तो वो वाला एचआरए जो आपने दिया, ठीक है, वो कहते हैं कंप्लीट एग्जम्प्ट होगा। तो यहाँ जब देखते हैं हम अपनी फुली टैक्सेबल में, कहते हैं एम्प्लॉय इज़ लिविंग इन ऑन हाउस, कहते हैं जब वो एम्प्लॉय है, ठीक है, या तो अपने खुद के घर में रहता हो या अपनी फैमिली के साथ रहता हो। ठीक है, तो जो जैसे कि आपको पता है अगर आपका खुद का घर है, ठीक है, या आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, ठीक है, तो वहाँ उस घर का आप रेंट नहीं ना पे करते, तो कहते हैं इस केस में भी आपका जो एचआर है, कहते हैं फुल टैक्सेबल माना जाएगा। उसके नीचे एम्प्लॉय इज़ लिविंग इन अ हाउस फॉर विच ही इज़ नॉट पेइंग एनी रेंट, के एम्प्लॉय कोई ऐसे घर में रहता है जिसका, कहते हैं जिसके ऊपर उसे किसी भी तरीके का टैक्स रेंट सॉरी वो नहीं पे करना पड़ता, जैसे कि वो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने ऐसे कुछ क्लासमेट के साथ, ठीक है, रहता है। कहते जिस केस में कहते उसको कहते रेंट वो नहीं पे करता, ठीक है, कहते उस केस में भी अगेन वो जो एचआर है जो उसे मिलता है वो भी कहते कंप्लीट टैक्सेबल होता है। लास्ट इफ़ द रेंट पेड डस नॉट एक्सीज 10% ऑफ अ सैलरी, कहते अगर आपको जो रेंट पे किया है, ठीक है, वो आपकी 10% ऑफ सैलरी से कहते कम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है वो कम है, कहते उस केस में भी आपको जो एचआर है वो कंप्लीट टैक्सेबल होगा। देखो तीनों केस में आपने क्या देखा, तीनों केस में एक चीज़ तो कॉमन है कि कहते जब भी आपका जो रेंट पेड है, ठीक है, वो कहते नील हो गया, कहते जीरो हो गया, कहते उस केस में जो एचआर है आपका वो कहते कंप्लीट टैक्सेबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एचआर का मीनिंग यही है ना कि जो आपने रेंट पे करना है किसी हाउस का, हम तो उसके लिए आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी केस में रेंट या तो पे नहीं किया, ठीक है, या आपका रेंट ही कहते कम है सपोज, ठीक है, जैसे कि सपोज अगर इस वाले केस में अगर आपका रेंट है सपोज 15,000 और मैंने आपको दे दिया 20,000, ठीक है, तो आप तो 15 आप रेंट पे कर रहे हो, 20,000 मुझसे ले लो, ठीक है, उस केस में भी आपका रेंट पे क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो कहते हैं अगर आपका रेंट पे जीरो हो गया तो उन सभी केसेस में आपका जो एचआर है वह हम फुली टैक्सेबल मानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्लेस, ठीक है, प्लेस आपके दो टाइप की हैं यहाँ पे, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेक्स्ट है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि सपोज एक था अपना एम्प्लॉय मिस्टर ए था, ठीक है, वो कहते हैं उसका जो ऑफिस है जो उसने ज्वाइन किया था वो किया था दिल्ली में, और वो रहता कहाँ था, वो मुंबई में, ठीक है, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट की प्लेस कौन सी है, दिल्ली वाली, ठीक है, और उसकी जो रेजिडेंस की प्लेस है वो कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। कहते हैं सपोज अगर इस केस में कहते कि जो बंदा है, ठीक है, वो काम कहीं और करता है, ठीक है, और उसका जो रेंट वाला हाउस है वो कहते वो कहीं और हो, ठीक है, दैन उस केस में जो आपका एचआर है, ठीक है, जो इसको मिलता है एम्प्लॉय को, वो कहते टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, कहते डेफिनेट टैक्सेबल होगा, क्योंकि एचआर की बेसिक कंडीशन यही है कि उसने जो रेंटेड हाउस, ठीक है, कि जो हाउस है वो रेंटेड होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो जो आपकी जो हाउस है, ठीक है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट वाली जगह पर हो, चाहे वो कहीं एम्प्लॉयमेंट की कहीं बाहरी जगह में हो, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमें किससे मतलब है, रेंटेड हाउस से मतलब। अब देखिए आर ए का एक न्यूमेरिकल, यहाँ आपको गिवन है बेसिक पे, ठीक है, 50,000 पर मंथ में, डीए गिवन है, ठीक है, 10,000 पर मंथ में, और ब्रैकेट में गिवन है 60% फॉर्मिंग पार्ट की है, जो कंपनी है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है, कहते हैं वो इसका सिर्फ 60% ही कहते हैं इंक्लूड करती है अपनी सैलरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको एचआर मिलता है 20,000 पर एनम के अकॉर्डिंग, सॉरी पर मंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको रेंट मिलता है 20,000 अगेन पर मंथ के अकॉर्डिंग, एंड आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सी है, दिल्ली में, ठीक है। सब आपको बोला है कि यहाँ पे आपने एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालनी है, प्लस आपने टैक्सेबल सैलरी जिसे हम ग्रॉस सैलरी भी कहते हैं, कहते हैं वो आपने निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी, ठीक है, जो आपकी बेसिक पे है, कहते हैं 50,000 है एक महीने की, तो 50,000 मल्टीप्लाई 12 ये कितना आएगा आपका 6,00,000, ठीक है, ये तो है आपकी बेसिक पे। उसके बाद आपका डीए, डीए हम तो यहाँ वैसे कंप्लीट लेंगे, डीए है आपका 10,000 पर मंथ में, तो यहाँ हम लेंगे 1,20,000, ठीक है, ये डीए आ गया। उसके बाद था आपका एचआर है, ठीक है, 20,000 पर मंथ का था मल्टीप्लाई 12 किया, ये आपका आ गया 2,40,000, इससे मैं था, ठीक है, अपनी साइड पे लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है एचआर में कुछ पार्ट एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको रेंट पे गिवन है और आपको प्लेस गिवन है, इसका यहाँ सैलरी में कोई काम नहीं, ठीक है, इसका कहाँ काम है, अपनी एचआर की कैलकुलेशन में। तो नीचे हम करेंगे इसकी एचआर की टैक्सेबल की कैलकुलेशन, टैक्सेबिलिटी ऑफ एचआरए एग्जम्प्टेड अमाउंट, ठीक है, एग्जम्पशन। हमें चाहिए तीन पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, 50% या 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब देखिए हमें इसके लिए हमें सैलरी चाहिए होगी, ठीक है,
तो नीचे हम कैलकुलेट करेंगे अपनी सैलरी। सैलरी में मैंने क्या बताया था, एक तो आती है बेसिक पे, बेसिक पे आपकी कितनी है पूरे साल की 6 लाख, ठीक है। उसके बाद आपका कहते हैं डीए आता है ओनली फॉर्मिंग पार्टनर। देखिए यहाँ क्या कीमत है फॉर्मिंग पार्टनर, देखिए यहाँ बोला था ना आपको कि 10,000 है, ठीक है, जो है आपका उसका कहते हैं सिर्फ 60% ही कहते हैं फॉर्मिंग पार्ट है। इट मीन्स 10,000 का सिर्फ 60%, ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट है। इट मीन्स सिर्फ 6,000 ही हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे, तो 6,000 हो गया एक महीने का, इसमें डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ये आपका आएगा 72,000। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ हमने डीए लिया है सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट, और यहाँ हमने डीए लिया है कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम कंप्लीट सैलरी की बात करें और यहाँ हम सैलरी की बात करें, बट किस केस में, सिर्फ अलाउंस के केस में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको परसेंटेज वाइज कमीशन गिवन थी, ठीक है, वो तो गिवन ही, इट मीन जीरो। इसका ये हमारी सैलरी कितनी आएगी 6,72,000, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको क्या गिवन थी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ अ सैलरी, ठीक है, एंड लास्ट में एक्चुअल HR AC, ठीक है जी। अब देखिए सैलरी में कहने कौन सी परसेंटेज लेनी है, 50 या 40, देखिए प्लेस देखना पड़ेगा, प्लेस कौन सा, दिल्ली, दिल्ली हमारे क्या किस में आता है, मेट्रो सिटीज़ में, तो कहते हैं 50% लेंगे। 6,72,000 का 50%, इसको मैं जब हाफ करूँगी, ठीक है, तो वो आपका आएगा 3,36,000, ठीक है। ये रही मेरी फर्स्ट अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपने रेंट पे किया, उसमें 10% ऑफ सैलरी माइनस करूँगी। रेंट कितना पे किया मैंने, रेंट है 20,000 एक महीने का, ठीक है, तो 2,40,000 हो गए मेरा कंप्लीट पूरे साल का, ठीक है। इसमें कहते 10% ऑफ सैलरी माइनस करना है। देखिए सैलरी है मेरी 6,72,000 की, इसका जब मैं 10% निकालूंगी तो वो कितना आएगा 67,200, ठीक है। अब इसको माइनस करूँगी मैं, -67,200, ये आपका आ गया 1,72,800। तो ये है आपकी सेकंड अमाउंट, ठीक है, रेंट वाली। एंड लास्ट है कि आपको असल में कितना HRA रिसीव हुआ है, ठीक है, वो कहते हैं 20,000 एक महीने का था, तो मल्टीप्लाई किया 12, ये कितना आ गया 2,40,000। अब देखिए तीनों अमाउंट का अमाउंट हमने निकाली, तीनों में से कहते कौन सी कम है, तीनों में से आपकी ये वाली कम है 1,72,800, तो ये वाली अमाउंट कौन सी आपकी एग्जम्प्टेड अमाउंट है, ठीक है। तो इससे हम करेंगे यहाँ एग्जम्प्ट करेंगे 1,72,800, ठीक है। नेट आपका टैक्सेबल HRA कितना है 67,200, ठीक है। अब हम लास्ट में करेंगे सभी को प्लस, अपनी ग्रोथ सैल्यू निकालने के लिए 6 लाख थी मेरी बेसिक पे, डेरेंस लॉस मुझे मिली थी 1,20,000, प्लस मेरे को मुझे मिला था HRA 67,200, तो मेरी जो ग्रोथ सैलरी है, ठीक है, वो कितनी है 7,87,200। तो आज तो हमने की थी कैलकुलेशन ईयरली बेसिस पे, ठीक है, कि हमने जो जहाँ पे हमें सारी अमाउंट किया ईयरली बेसिस पे निकाली थी। बट कभी कभी आपको सब में कहते हैं कुछ चेंजेस भी गिवन होते हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज मिस्टर ए हैं, ठीक है, वो कहते पहले साल के 8 महीने कहते अपनी फैमिली के साथ रहा हम, इट मीन्स वहाँ तो उसने रेंट पे नहीं किया, ठीक है, तो वहाँ HRA क्या होगा, फुली टैक्सेबल। कहते उसके बाद कहते जो आपका 4 मंथ है बचे हुए 4 महीने, कहते उसने अपना हाउस से रेंट पे ले लिया, ठीक है, इट मीन्स अगेन HRA में कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट होगी, ठीक है। तो कहते हैं इस केस में हम कैसे करेंगे, इस केस में कहते हैं आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है इसमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो सिंपल आज हमने कुछ नहीं किया, आपको जो जो अमाउंट गिवन है, ठीक है, आपको उसमें सबसे पहले आपने 2 चीज़ें देखनी है, ठीक है। आपको पहले एक देखना है उसका प्लेस कि वो कहाँ रहता है, ठीक है, प्लेस और रेसिडेंस देखना है, एंड सेकेंड उसने क्या देखनी है, रेंट, ठीक है, 2 चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद आपने ये तीनों चीज़ों का अमाउंट निकालना है, ठीक है, 50% या 40% ऑफ सैलरी ये निकालेंगे, ठीक है, ये हम निकालेंगे प्लेस ऑफ रेजिडेंस को देखते हुए। नेक्स्ट निकालेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ अ सैलरी, ठीक है, कि उसने रेंट कितना पे किया, माइनस 10% कर देंगे सैलरी का, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपको गिवन थी एक्चुअल HRA रिसीव, ठीक है। जब तीनों अमाउंट आपने निकाल ली 1, 2, 3, ठीक है, इन तीनों में से तो जो भी आपकी सबसे कम अमाउंट होगी, कहते हैं वो वाली अमाउंट क्या होगी, हमारी एग्जम्प्टेड अमाउंट, एंड उसी को हम एग्जम्प्ट कर देंगे जितना भी आपको HRA मिला, ठीक है, उसमें से, एंड बाकी जो बचा हुआ ये होगा आपका एक्चुअल टैक्सेबल HRA।